आई होप ये आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये कुशीनगर का पार्ट टू है एंड सेकंड वीडियो है, सेकंड ब्लॉग है। तो यहाँ हम लोग खा रहे हैं आइसक्रीम और आप लोगों को उससे दिखाते हैं और खाएंगे आइसक्रीम, कुछ खाएंगे पियेंगे, आप लोग के साथ शेयर करेंगे। बहुत छोटू सा ये ब्लॉग रहेगा एंड कुछ फोटोज़ लास्ट में मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी, तो आप लोग जरूर से वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं कैसे कैसे इन्जॉय करते हैं। तुम कुछ और खा लो, शॉर्ट्स दे दो शॉर्ट्स। हाँ तो मत खाओ, जूही खिला रही है हमको, जूही हम खिला रहे हैं, हम दे देंगे पैसा, खाओ। दीदी देंगी, सबसे बड़ी है ना और शादीशुदा है तो इनके हस्बैंड है अभी। और नहीं यार, ठंडा है, ठंडा है। देखिए सुबह से ना तबीयत आपका बहुत खराब हो रहा है, वहाँ हम लोग चलेंगे, गर्मी जैसे हो रहा है ना, अंदर पार्किंग में तो आइसक्रीम, आइसक्रीम खाने का मन हुआ, हम लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, सर्दी हो रहा है। चॉकलेट हमारा ऑल टाइम फेवरेट है, बहुत ठंडा। पापा मुझे डांटेंगे क्यों आइसक्रीम खिलाई हूँ, ज़्यादा तबीयत खराब हो जाएगा। सुबह ना मुझे आ रही थी ना सुबह, हाँ अब लखनऊ चल के खा लेना, वहाँ फिर नहीं सही हो जाएगा तुम्हारा तबीयत खराब। फेस भी उतरा हुआ, हाँ देख रही है ना, आज का सुबह ही नहीं होती आ रहा था इतना। चलो उतना ही खा लो, अब मत, अब नहीं मांगूंगा, ठीक है। हम लोग बड़े हैं ना बेटा, बहुत ठंडा है, मेरा दांत कड़कड़ा गया। हाँ। नहीं हो जाएगा यार, हमको लगा ना ये चली गई है, कल जाना है और दिक्कत हो जाएगी ना जी, आएगी बार बार नाक बहेगा, बुखार हो जाएगा। आज सगाई लोग क्या है, कुशीनगर से थोड़ा सा हट के आधा किलोमीटर दूर पे है रामा भारी स्तूप, वहाँ पे और वहाँ का ब्लॉग आपसे थोड़ा सा शेयर करेंगे। यहाँ पे क्या क्या है दिखाते हैं आपको, मैं तो काफ़ी टाइम बाद आई हूँ तो मुझे नहीं पता है क्या क्या है, लेकिन किंतु परंतु जूही को पता है, जूही यहीं की है लोकल की, तो इसको सब कुछ पता है, तो ये ले चल रही है हम लोग को दिखाने। कर रही हूँ इन लोगों को कि कहाँ क्या है, गाइड कर रही है हम लोग को, देख लीजिए वीडियो लाइक करिए, गाइडेंस है, आप लोग को भी गाइड कर देगी अगर आप लोग लाइक करेंगे तो, इसके चैनल पे जाएंगे तो गाइड करेगी आप लोगों के साथ भी, शेयर कर रही हूँ। सो फ्रेंड, यहाँ पे हम लोग आ गए थे रामा भारी स्तूप जो बोला जाता है वहाँ पे, और ये कुशीनगर से आधा किलोमीटर दूर है, मतलब कि साइड में ही है लेकिन आधा किलोमीटर दूर है। और ये जहाँ हम जा रहे हैं अभी आपको दिखाते हैं, यहाँ से एक नदी बही हुई है जिसका नाम है इरावती नदी, और इस नदी में बहुत सारी मछलियाँ थी, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर, और फोटोग्राफी के लिए बहुत ही अच्छा, वीडियोग्राफी के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन पता नहीं क्या इशू हो गया ना, मेरे तो मेरे फ़ोन का नेट ही नहीं चल रहा था, बहुत सारा रील्स मैं बनाने का प्लान की थी बट रील्स बना ही नहीं पाई। और इंस्टाग्राम पे मैंने फ़ोटोज़ शेयर की हुई है यहाँ की, आप लोग अगर मेरे इंस्टाग्राम पे नहीं है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आईडी और यहाँ भी आईडी दे दूँगी, बता भी देती हूँ, प्रिया द्विवेदी 9919। ये इरावती नदी है और ये नदी मतलब कुशीनगर से जस्ट बाजू से बही हुई है और बहुत दूर तक गई है, बहुत चौड़ा है, वीडियो में तो इतना क्लियरेंस नहीं दिख रहा है लेकिन इसमें बहुत सारी मछलियाँ हैं गाइस, बहुत सारी मछलियाँ और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और सफाई का बेहद ख्याल रखा गया है यहाँ पर, क्योंकि देखिए इतनी छोटी छोटी मछलियाँ हैं यहाँ पे, इतना अच्छा लग रहा था ना किनारे से ही, और हम लोगों ने बहुत सारी मस्ती की यहाँ पे, यादगार पल। और वीडियो बनाने का मेन मकसद यही होता है ना, जो पल हम इंजॉय करते हैं उस पल को अच्छे से जी के, और फिर कभी याद आए ना तो उसको देखने का एक मन हो तो आदमी देख ले। हमारी स्तूप पे और ये दिखा सकते हैं हम आपको अपने पीछे, जो आप लोग यहाँ देख रहे हैं रामा भारी स्तूप है, और बहुत ही बड़ा और बहुत ही पुराना, हज़ारों साल पुराना स्तूप है, और यहाँ पे जो बहुत पुराने ईंट हुआ करते थे उनसे बनाया हुआ है, और कहा जाता है कि यहाँ पे जो भगवान बुद्ध थे उनकी अस्थियाँ इसमें नीचे रखी हुई हैं। कहने का मतलब कि बहुत पुरानी बात है, कितना सत्य है कितना नहीं है हम आपको नहीं बता सकते हैं, बट इतना ज़रूर बता सकते हैं कि लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो भगवान बुद्ध की अस्थियाँ थीं उसको यहाँ पे रखा गया है इसके नीचे, और बहुत ही ऊंचा, अभी वीडियो में आपको बहुत कम दिखाई दे रहा है बट बहुत ही ऊँचा है ये स्तूप, और बहुत ही अच्छा यहाँ पे पीसफुल सा जगह है बैठने के लिए, बहुत अच्छा गार्डन यहाँ पे, पार्क आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और बहुत बड़े स्पेस में नहीं है फिर भी थोड़ा सा तो जगह है कि अच्छे से, मतलब कि जितना वहाँ पे कुशीनगर मंदिर वाले पे जितना बड़ा पार्क है उतना बड़ा नहीं है बट थोड़ा उससे छोटा है, बट बहुत ही अच्छा है यहाँ का व्यू, और यहाँ पे वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी के लिए बहुत ही अच्छा यहाँ लग रहा है, बट क्या करें
यहाँ पे ना नेट नहीं चल रहा है, यहाँ पे नेट बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। मैंने थोड़ा सा एक दो रील बनाया हुआ है यहाँ पे और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो स्तूप मैं बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ कैसा दिखता है और कैसा है यहाँ पे, क्या क्या कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं आपके साथ शेयर करती हूँ। चलिए वीडियो कंटिन्यू करिए। So look, three star of I think YouTubers। और अब हम लोग रामा भारी स्तूप से निकल रहे थे, कुशीनगर आए और कुशीनगर से अब हम लोग निकल रहे थे घर के लिए। तो जूही ने कहा कि चलिए, क्योंकि हमारे वहाँ से जो डायरेक्ट रोड जाता है कुशीनगर, वो रोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो जूही ने कहा कि कसियाँ, अगर आप लोगों ने सुना होगा कुशीनगर के जस्ट बगल में है कसियाँ, चलिए कसियाँ से फिर देवरियाँ आइएगा, रोड बहुत ही अच्छा है। तो हम लोग कसियाँ निकल रहे थे तो जूही ने कहा कि थोड़ा सा चलते हैं घूम के कसियाँ, थोड़ा कुछ खाया पिया जाएगा वहाँ। एक इसका मतलब जूही कसिया की है तो उसका एक फेवरेट रेस्टोरेंट है, वहाँ चलेंगे कुछ खा पी के फिर चला जाएगा। तो हम लोग वहाँ चले गए थे और निकलते टाइम लास्ट मंदिर पड़े गए और बहुत ही अच्छा जगह है। इतनी सफाई का ध्यान रखा गया है कुशीनगर में ना कि पूछना नहीं है, बहुत ही सफाई। और यहाँ पे ना इतना अच्छा लोकेशन था कि मत पूछिए, सुकून जो कहा जाता है मेन यहाँ पर मिल रहा था। तो चलिए वीडियो इन्जॉय करते हैं। घर के लिए और मेरा फ़ोन हो गया डिस्चार्ज, तो मैं जूही के फ़ोन से छोटा सा एंडिंग का क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए वीडियो शूट कर रही हूँ। और यहाँ मैं जैसे आने के टाइम फर्स्ट टाइम में जो मंदिर है वहाँ पे हम लोग हैं, क्योंकि निकलने के टाइम में लास्ट पड़ता है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं घर और वीडियो को यहीं एंड करेंगे। बहुत ही प्यारा सा मंदिर है यहाँ पे, थोड़ा सा और मैं आप लोगों के साथ दिखाऊंगी और वीडियो को एंड करूंगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो ये वाली वीडियो ज़रूर लाइक करिएगा। और मैं जूही के फ़ोन से बना रही हूँ ये वीडियो और मेरा फ़ोन तो स्विच ऑफ हो गया है। और आज का हाँ, और आज का जो ब्लॉग है ना मेरा जा नहीं पाया है, आई थिंक ये ब्लॉग पता नहीं कब जाएगा, बट आज का ब्लॉग मेरा 3 बजे नहीं पब्लिश हो पाया क्योंकि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। मैं घर जाके ही फ़ोन चार्ज में लगाऊंगी फिर वीडियो पब्लिश करूंगी। सकते हैं हम लोगों ने कुछ खाया पिया, बहुत कुछ खाया पिया और फाइनली अब 6 बज गए हैं शाम के और हम निकल रहे हैं कसियाँ से देवरियाँ, और देवरियाँ से फिर जो दीदी हैं उनके हस्बैंड ले जाएंगे हमको घर तक छोड़ने। तो वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं अपने नए वीडियो में, दिल दिन बाय, लव यू सो मच गाइस। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, मिलजुल के रहें, बाय, लव यू सो मच, बाय।